बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये है गाजर का हलवा। बहुत ही आसान रेसिपी, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आसान और मज़ेदार ये गाजर का हलवा अब हर कोई बना सकता है। तो देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आधा किलो गाजर को वॉश करके और उसको पील ऑफ करके अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे, और एक पैन में ऐड करेंगे इसको। तो ये आधा किलो गाजर हमने लिए, इसमें आधा किलो ही मिल्क ऐड होगा। इसमें हम मिल्क ऐड करके और कवर कर देंगे 5-6 मिनट तक, जब तक कि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए गाजर। फ्लेम जो है वो बिल्कुल तेज नहीं रखनी, दरमियानी रखनी है। तो अभी हम 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और हम इसमें बाकी जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जो लोग समझते हैं कि हलवा बनाना मुश्किल होता है, तो बिल्कुल नहीं। अब आप बिल्कुल आसान तरीके से हलवा बना सकते हैं गाजर का। 4 इलायची के दाने इसमें ऐड किए, और इसमें हम 1 कप ऐड करेंगे चीनी। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम चीनी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आधा किलो में 1 कप काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी मीठा हलवा बना था हमारा, तो 1 कप आधा किलो गाजर में 1 कप चीनी काफ़ी है। अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम एक बार इसको कवर करेंगे, जब तक इसका जो मिल्क है ये ड्राई हो जाए। तो अभी देखें, काफ़ी इसका मिल्क ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे खोया। खोया डालने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे घी, 1/4 कप इसमें घी ऐड किया, और खोया ऐड किया इसमें। खोया थोड़ा सा इसमें अभी ऐड किया, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा हमारा हलवा। तो जितना भी आप खोया आपको अच्छा लगता है उतना डाल सकते हैं। तो खोया जो है हमने अपने घर पे ही रेडी किया था, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड करूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं घर में कैसे खोया बनाया जाता है। तो ये देखिए, बिल्कुल ड्राई हो चुका है हलवा, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही परफेक्ट बना है। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, देखा आपने कितना आसान था ये हलवा बनाना, और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह बनाए। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे खोया और ड्राई नट्स जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, प्लीज़ हमारा एक और चैनल है नगमा व्लॉग्स, उसको भी ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करते हैं। और एक हमारी सिस्टर का चैनल है लाइफ विथ मरियम, अगर आप चाहें तो उसको भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है, शानदार किस्म की रेसिपीज़ और व्लॉग्स शेयर करती हैं। तो देखें, इसके ऊपर हम खोया ऐड कर रहे हैं। खोया के साथ ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई नट्स। शानदार किस्म का हमारा मुगलई हलवा तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।